આજે હું સ્ટેન્ડ ભૂલી ગઈ છું મારું, તો આપણે રેકોર્ડિંગ તમે કરજો અંકલ. હા, રેકોર્ડિંગ ચાલુ થાય છે. હા, અપન ચાલુ કરતે હૈ. અભી હમને મંગલાચરણ કિયા, અબ હમ બઢતે હૈ આગે. હમને વ્યવહાર નહીં કે ચાર ભેદ દેખે ઓર નિશ્ચય નહીં કે ચાર ભેદ દેખે. હમને જો વ્યવહાર નહીં કે ભેદ દેખે થે ના, वो हमने कुंद कुंद आचार्य देव की शैली की अपेक्षा से देखे. उसे कहते हैं प्रथम शैली. और एक द्वितीय शैली भी आती है जो पंचाध्याय कार ने पंचाध्याय ग्रंथ में अध्यात्म की शैली से की अपेक्षा से व्यवहार नहीं के चार भेद समझाए. सबन्ना बराबर. हमने जो पहले चार भेद देखे ना, उसको कहते हैं प्रथम शैली. और अभी आज जो अपन देखने वाले हैं, वह द्वितीय शैली की अपेक्षा से हम व्यवहार नहीं के भेद देखने वाले हैं. पहली शैली है कुंद कुंद आचार्य देव की, और दूसरी शैली है पंचाध्यायकार की शैली. वो आगम के नहीं है, और ये जो पंचाध्याय के नहीं है वो अध्यात्म के नहीं है. कुनकुन आचार्य देव जो प्रथम शैली वाले नहीं है, वो आगम शैली की अपेक्षा से नहीं है. और जो दूसरी शैली वाले नहीं है, पंचाध्यायकार ने जो लिखे है, वो अध्यात्म शैली के नहीं है. आज अपन वो भी देख लेते साथ में, फिर हम सारे नयों में गुणस्थान घटित करेंगे. हम सारे नयों में गुणस्थान घटित करेंगे, ठीक है? सात तत्व घटित करेंगे, गुणस्थान घटित करेंगे. और मैंने जो कल बताया था कि आगे आगे मैंने दूसरे दूसरे नहीं, पहले पहले की अपेक्षा से कैसे वो निश्चय बनते जाते हैं, मैंने वो व्यवहार बनते जाते हैं, ख्याल है? वो व्यवहार बनते जाते हैं, तो हम उसको भी अपन देखने वाले हैं क्रम से. मैंने दूसरा नहीं ने पहले नहीं का निषेध कर दिया तो वो बन गया निश्चय, ठीक है ना? फिर तीसरा ने दूसरे का निषेध कर दिया तो भाई तीसरा बन गया निश्चय, दूसरा बन गया व्यवहार. वो अपन देखेंगे पूरा क्रम, बराबर? पहले अपन देखते हैं पंचाध्याय के अनुसार व्यवहार नहीं. नाम सेम है, नाम सेम. जो हमने देखे ना असद्भूत और सद्भूत, असद्भूत के दो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं. सद्भूत के दो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अब बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं अभी अंदर में आना, अंदर में प्रमाण के द्रव्य में यहाँ बात करेंगे. जो कुंदकुंद आचार्य देव की शैली वाले जो चार नहीं थे, वो तो प्रमाण के बाहर से उन्होंने चालू किया, परंतु ये जो पंचाध्यायकार है, उन्होंने तो भाई राग से ही चालू किया. किससे से चालू किया? राग से ही वर्णन करना चालू किया, बराबर? एक मिनट. हाँ, देखो यहाँ पे जो सबसे पहला नहीं है ना, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, आप पहले लिख लो इसका विषय क्या है, इस नहीं का विषय क्या है. बुद्धिपूर्वक को अपना, बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कहना, बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कहना, बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कहता है. कौन बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कहता है? कौन? तो ये पहला नहीं, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, ठीक है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कहता है. और दूसरा नहीं जो है ना,
वो अबुद्धि पूर्वक का राग उसे आत्मा का कहता है, अबुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहता है। माने दो राग आए, बुद्धि पूर्वक का राग और अबुद्धि पूर्वक का राग, ठीक है ना। यहाँ जो बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ है, यहाँ जो अर्थ किया वो मैं अर्थ बता रही हूँ, और समय सार में जो बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ किया है वो अलग है। यहाँ बुद्धि पूर्वक का अर्थ होता है कि जो राग ज्ञान में पकड़ में आवे उसे कहते हैं बुद्धि पूर्वक का राग, और अबुद्धि पूर्वक का राग जो राग ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है उसे कहते हैं अबुद्धि पूर्वक का राग। ख्याल आया? जिनल बहन, हाँ जिनल बहन, अबुद्धि अबुद्धि पूर्वक नो राग तो ए अनुपचरित मानो, अबुद्धि पूर्वक नो राग छे ने ए जैसे अनुपचरित मा, ए जैसे अनुपचरित, अने बुद्धि पूर्वक नो जे राग छे ने ए जैसे उपचरित मा, ठीक है। दो प्रकार का राग, बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक। अब जो समय सार में दो अर्थ किए, बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक, उसका अर्थ बता रही हूं। सबसे पहले जो बताया बुद्धि पूर्वक का राग, माने मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है, मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है उसको कहते हैं बुद्धि पूर्वक का राग। मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है उसे कहते हैं बुद्धि पूर्वक का राग। मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है उसे कहेंगे बुद्धि पूर्वक का राग, बुद्धि पूर्वक का राग। समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व सहित वाला राग उसे क्या कहेंगे? बुद्धि पूर्वक का राग। माने श्रद्धा अभिप्राय में जो राग को अपना माना है, श्रद्धा में अभिप्राय में राग में जो अपनत्व बुद्धि है उस राग को कहते हैं बुद्धि पूर्वक का राग। क्या कहा? समझ में आ रहा है? बुद्धि पूर्वक का राग माने श्रद्धा में अभिप्राय में जो राग को अपना मान के बैठा है ना, राग का स्वामीपना, राग करने लायक है, राग करते करते मुझे निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी, राग सुख का कारण है, ये जो बुद्धि है, ये जो राग प्रत्ये जो बुद्धि है उसको कहते बुद्धि पूर्वक का राग। माने गुरुदेव की भाषा में कहे कि राग नो राग छे ना वो बुद्धि पूर्वक का राग है, राग नो राग वो बुद्धि पूर्वक का राग, राग के प्रत्ये जो अपनापन का भाव है वो बुद्धि पूर्वक का राग है। और अबुद्धि पूर्वक का राग माने चारित्र की कमजोरी वश होने वाला जो राग है, ज्ञानियों को जो चारित्र की कमजोरी वश जो राग होता है ना उसको कहते हैं अबुद्धि पूर्वक का राग। ज्ञानियों को जो चारित्र की कमजोरी वश जो राग होता है, अस्थिरता जन्य राग, ठीक है, अभी अभी पूर्ण रूप से स्थिरता नहीं हुई है, तो जो जब उपयोग भार आता है शुभ भाव में जुड़ता है, बराबर शुभ भाव होते हैं, चारित्र की कमजोरी वश अस्थिरता जन्य जो राग है उसको कहते हैं अबुद्धि पूर्वक का राग। जो बुद्धि पूर्वक का राग है वो अनंत संसार का कारण है, और जो अबुद्धि पूर्वक का राग है वो अल्प संसार का कारण है। बुद्धि पूर्वक का राग होता है मिथ्या दृष्टियों को, और अबुद्धि पूर्वक का राग है सम्यक दृष्टि, ठीक है ना। ये समय सार में तो ये व्याख्या आई है, ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक की परिभाषा बताई। अब यहाँ जो ये जो परिभाषा है ना बुद्धि, यहाँ जो बुद्धि पूर्वक राग जो बुद्धि पूर्वक राग अनंत संसार का कारण और अबुद्धि पूर्वक राग अल्प संसार का कारण, दीपा बहन, अल्प संसार का कारण। बुद्धि पूर्वक का राग जो है वो अनंत संसार का कारण। समझ में आ रहा है? शीतल बहन, ज्योति बहन, आत्मी बेटा, केतल भाई, केतना आंटी, भानु आंटी, है ना, राजेश अंकल, बराबर जा रहा है ना सब? बराबर ख्याल आ रहा है? क्या कह रहे हैं? एक राजेश भाई भी जुड़े हैं मेरे से, उनके प्रश्न आते रहते हैं, बराबर। अब चलो, क्या कहा कि बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक। समय सार में बुद्धि पूर्वक का अर्थ है कि जो राग के प्रत्ये जो अपनापन है, एकत्व बुद्धि है, इसलिए पूज्य बेंचरी ने वचनामृत में लिखा है, बोल
बहुत प्रसिद्ध बोल है कि पकड़ पकड़मा अंतरश, पकड़ पकड़मा। उन्होंने दृष्टांत दिया है वहां पे बिल्ली और उंदर का। बिल्ली चूहे को पकड़े और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़े, बोलो दोनों में अंतर है ना। बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है? खाने के मारने के भाव पूर्वक वो किसको पकड़ती है? चूहे को पकड़ती है। और अपने बिल्ली अपने बच्चे को, बोलो, बचाने के भाव, है ना, रक्षा के भाव से उसे वो पकड़ती है, नरमास से पकड़ती है, और चूहे को कठोरता से पकड़ती है, बराबर ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो राग को कैसा पकड़ता है, कैसा पकड़ता है? अपनापन करके पकड़ता है। और जो ज्ञानी है वो राग जो उनको होता है, वो राग के तो मात्र जानने वाले ही रहते हैं, उनमें वो अपनापन नहीं करते हैं। ये अंतर पड़ गया अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में। इसलिए कहते हैं ना समय सार में का, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है, चबाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। कैसे राग में दिखते हैं, संयोग में दिखते हैं, परंतु उस राग के प्रति अपनापन। और अज्ञानी शायद ऐसा भी हो कि सब कुछ छोड़कर वन जंगल चला जाए। हमने द्रव्य लिंग पना आनंद बार धारण किया ना, बाहर में त्याग, सबका त्याग करके बैठ गया, परंतु अंदर में क्या पड़ा है? बुद्धिपूर्वक का राग, बुद्धिपूर्वक। और चक्रवर्ती छह खंड के बीच में है तो उनको बुद्धिपूर्वक का राग नहीं है। कौन सा राग है? अबुद्धिपूर्वक का राग, अबुद्धिपूर्वक, क्योंकि राग में से अपनापन टूट गया। बराबर, आगे बढ़े अपन। तो पहला नहीं का विषय जो यहाँ पे बताया, बुद्धिपूर्वक यहाँ जो अर्थ है, यहाँ जो अर्थ किया, आगम शैली की अपेक्षा से कहे करणान योग में, ये करणान योग में ऐसे अर्थ किए। बुद्धिपूर्वक माने जो राग पकड़ में आए, और अबुद्धिपूर्वक माने जो राग पकड़ में नहीं आता है, ठीक है ना। अब मैं एक एक का अर्थ करती हूँ। पहला शब्द है उपचरित। उपचरित माने, पहले तो आप असद्भूत और सद्भूत का अर्थ लिखो। हमने जो ऊपर पहले दो देखे ना, असद्भूत और सद्भूत, तो असद्भूत माने आत्मा की सत्ता में नहीं है, सेम अर्थ वो ही रहेगा पहले जैसा ही, आत्मा की सत्ता में नहीं है। परंतु समझना, वहां जो प्रथम शैली में असद्भूत का अर्थ किया ना, कुनकुन आचार्य देव की शैली में, आत्मा की सत्ता में नहीं है माने प्रमाण के द्रव्य में नहीं है। क्या कह दिया? प्रमाण के, क्योंकि वहां पे चालू किया था संयोग से। श्री कुतुम परिवार को अपना कहता है, नंबर वन वहां प्रथम शैली। अभी आप खाली दो शैली याद रखो, प्रथम शैली और द्वितीय शैली। प्रथम शैली माने अपन ने जो चार व्यवहार नहीं के अर्थ किए, वो प्रथम शैली, और ये द्वितीय शैली। वहां पे तो असद्भुत माने अपनी सत्ता में नहीं है माने अपनी सत्ता लेना प्रमाण का विषय, और यहाँ असद्भूत माने आत्मा की सत्ता में नहीं है माने दृष्टि का विषय। ख्याल आ रहा है आपको? अंतर ख्याल आ रहा है? क्या कह दिया? प्रथम शैली में जो कहा असद्भूत का अर्थ, वह असद्भूत का अर्थ कहा अपनी सत्ता में नहीं है, तो अपनी सत्ता का अर्थ लिखना, वह अपनी सत्ता माने प्रमाण का द्रव्य, स्त्री घर कुटुंब परिवार मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। और यहाँ का असद्भूत का अर्थ माने आत्मा की सत्ता में नहीं है माने दृष्टि के विषय में नहीं है, क्योंकि यह राग से चालू किया है, क्योंकि राग तो पर्याय में है, तो अपनी सत्ता माने प्रमाण का द्रव्य नहीं, दृष्टि का विषय, दृष्टि के विषय में राग नहीं, पर्याय में तो है। ख्याल है? असद्भूत का अर्थ, और सद्भूत माने अपनी सत्ता में है, सद्भूत माने अपनी सत्ता में है, फिर से सत्ता माने क्या लेना? दृष्टि का विषय। अब देखो, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। उपचरित का अर्थ है स्थूल से जाना। आपने आगर जाए ए पहला जस्ट क्लेरिफिकेशन। हाँ करो भनवंती, बोलो। हाँ के अया आपने असद्भूत मा अया अगर पहला तो है कि आत्मा की सत्ता में नहीं है, इसलिए ए प्रमाण के द्रव्य में नहीं है, बराबर, इसलिए ए आगम निश्चली थी कि नहीं। બીજું અસદભૂત એટલે કે અહીંયા દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષયમાં
એમાં નથી, રાગ નથી, એ એ આ અધ્યાત્મની શૈલીમાં. બરાબર બરાબર પંચાધ્યાયની શૈલીમાં. ઓકે ઓકે, આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ ક્લેરિફાય, થેન્ક્સ. નો નો, એક્ઝેક્ટલી, વેરી ગુડ. હવે ઉપચરિત એટલે સ્થૂલ, ઉપચરિત કા અર્થ લખના સ્થૂલ, સ્થૂલ રાગ. ઉપચરિત માને સ્થૂલ રાગ, અસદ્ભુત માને, અસદ્ભુત માને મેરે ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા મે નહીં હૈ. રાગ જો હૈ ના સ્થૂલ રાગ હૈ વો મેરે ત્રિકાલી મે નહીં હૈ, ત્રિકાલી મે રાગ કા અભાવ હૈ, ઇસલિયે અસદ્ભુત. વ્યવહાર, વ્યવહાર માને ભેદ કિયા ના દ્રવ્ય પર્યાય કા, દ્રવ્ય પર્યાય કા ભેદ કિયા, ઇસલિયે વ્યવહાર. ઓર નહીં ક્યું, ક્યુંકિ શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય ને એસા જાના, શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય ને જાના, ઇસલિયે નહીં, શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય ને જાના, ઇસલિયે નહીં. ક્લિયર? ઠીક હૈ, ચાર શબ્દ કે અર્થ. ઉપચરિત માને, હું પાછું રિપીટ કરું છું દીપામેન, ઉપચરિત એટલે સ્થૂલ, સ્થૂલ રાગ. અસદ્ભુત માને મેરે ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા મે નહીં હૈ. વ્યવહાર માને દ્રવ્ય પર્યાય કા ભેદ કિયા, ઓર નહીં માને શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય, નહીં માને કોણ, શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય. ક્લિયર? શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય ને એસા જાના, યે નહીં, નહીં કા અર્થ શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય ને એસા જાના, એંગલ કરકે દેખા, એંગલ કરકે જાના. આગે બઢે, અબ અબ દૂસરા નહીં, અનુપચરિત અસદ્ભુત વ્યવહાર નહીં. અનુપચરિત કા અર્થ લિખના સૂક્ષ્મ રાગ, અનુપચરિત કા અર્થ લિખના સૂક્ષ્મ રાગ. અસદ્ભુત માને હોતા હૈ મેરે ત્રિકાલી મે નહીં, અર્થ સેમ, મેરે ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા મે નહીં હૈ, સૂક્ષ્મ રાગ ભી નહીં હૈ. વ્યવહાર ક્યું, ક્યુંકે દ્રવ્ય પર્યાય કા ભેદ કિયા, ઓર નહીં ક્યું, ક્યુંકે શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય ને એસા જાના. રાગ, સૂક્ષ્મ રાગ વાલા આત્મા, અબુદ્ધિપૂર્વક કે રાગ વાલા આત્મા, બુદ્ધિપૂર્વક કે રાગ વાલા આત્મા, એસા જાના ના, ઇસકા નામ હૈ નહીં. એંગલ કરકે દેખતા હૈ, એંગલ કરકે કોઈ અપેક્ષા સે દેખતા હૈ, ઉસે નહીં કહેતે હૈ, ઇસલિયે શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય કો નહીં કહેતે હૈ, નહીં માને ક્યા, શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય ને એસા જાના. ક્લિયર? ચાર કા અર્થ હુઆ, દો નહીં હો ગયે, પહેલા ઓર દૂસરા નહીં. અબ હમ જા, હા હા બતાઈએ, કોઈ પ્રશ્ન હૈ? પાછું એક ફેરે જરાક રિપીટ કરના. અનુપચરિત માને સૂક્ષ્મ રાગ, અસદ્ભુત માને મૂળ વસ્તુ મે નહીં હૈ, વ્યવહાર માને ભેદ કિયા દ્રવ્ય પર્યાય કા, ઇસલિયે વ્યવહાર, ઓર નહીં માને શુદ્ધ જ્ઞાન કી પર્યાય ને એસા જાના. ક્લિયર? યે પહેલે દો નહીં. તીસરે નહીં પર જાતે હૈ, તીસરે નહીં પર સદ્ભુત મે આવો, અભી સદ્ભુત. ઉપચરિત સદ્ભુત વ્યવહાર નહીં. ઉપચરિત કા અર્થ લિખના, અબ પહેલે તો યહાં પે એક એક્ઝામ્પલ લિખ દો, ઉપચરિત સદ્ભુત વ્યવહાર નહીં કા, તો આપકો એકદમ સે સમજ મે આ જાયેગા. રાગ કા જ્ઞાન, રાગ કા જ્ઞાન, હમ કહેતે ના રાગ, મુજે તો રાગ કા જ્ઞાન હો રહા હૈ, રાગ કા જ્ઞાન, શાસ્ત્ર કા જ્ઞાન, પુસ્તક કા જ્ઞાન, મુજે તો ઇતને ઇતને શાસ્ત્ર કા જ્ઞાન હૈ, ઇનકો તો બહોત શાસ્ત્રો કા જ્ઞાન હૈ, મુજે તો મેરા રાગ કા જ્ઞાન હો રહા હૈ, તો યે ક્યા હૈ, યે એક્ઝામ્પલ. તીસરે નહીં કા, ઉપચરિત સદ્ભુત વ્યવહાર નહીં. અબ એક એક કા અર્થ, ઉપચરિત, ઉપચરિત કા અર્થ, ઉપચરિત કા અર્થ લખના, જ્ઞાન સ્વયં કા હોને કે બાવજૂદ ભી પર કા કહેના, રાગ કા જ્ઞાન, પર કા જ્ઞાન કહેના, જ્ઞાન કિસકા હૈ, આત્મા કા, પરંતુ કહેતે હૈ ક્યા, પર કા જ્ઞાન, મુજે યે દુકાન કા જ્ઞાન હૈ, મુજે ઘર કા જ્ઞાન હૈ, મુજે શાસ્ત્ર કા જ્ઞાન હૈ, મુજે જિનવાણી કા જ્ઞાન હૈ, ઠીક હૈ ના, જ્ઞાન હૈ અપના, જ્ઞાન આત્મા કા હૈ, પરંતુ કહેતે હૈ ક્યા, સમયસાર કા જ્ઞાન, પુસ્તક કા જ્ઞાન, ગેયો કા જ્ઞાન, તો યે 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 પર કા જ્ઞાન કહેના, ઇસકા નામ હૈ ઉપચરિત, ઠીક હૈ. ઉપચરિત કા અર્થ ખ્યાલ આ ગયા, ઉપચરિત માને ક્યા. અબ
सद्भूत, सद्भूत ज्ञान स्वयं का है ना, इसलिए सद्भूत, ज्ञान स्वयं का है इसलिए सद्भूत, ज्ञान स्वयं का है इसलिए सद्भूत, बराबर। व्यवहार क्यों, व्यवहार क्यों, क्योंकि त्रिकाली में भेद किया आत्मी बेटा, ख्याल आ रहा है बेटा, त्रिकाली में भेद किया, त्रिकाली में क्या भेद किया, ज्ञान ते आत्मा, त्रिकाली में भेद किया ना, ज्ञान ते आत्मा नहीं, त्रिकाली में भेद किया, क्या भेद किया कि ज्ञान और आत्मा, ऐसा भेद किया ना, राग का ज्ञान, तो ज्ञान और आत्मा ऐसा भेद कर दिया ना, तो त्रिकाली में भेद किया इसलिए व्यवहार, इसलिए व्यवहार, त्रिकाली में भेद किया इसलिए व्यवहार, और नहीं क्यों, शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। ये हम तीसरे नंबर के नई की चर्चा कर रहे हैं, पंचाध्याय की अपेक्षा से, पंचाध्याय कार ने ये तीसरे नंबर के नई के संबंध में क्या बताया है, उपचरित का अर्थ क्या लिखा, उपचरित माने क्या, ज्ञान स्वयं का होने के बावजूद भी पर का ज्ञान ऐसा कहना, इसलिए उपचरित, सद्भूत, सद्भूत, सद्भूत क्यों, सद्भूत क्यों, क्योंकि ज्ञान स्वयं का है, ठीक है ना। व्यवहार क्यों कहा, व्यवहार क्यों कहा, क्योंकि द्रव्य पर्याय त्रिकाली में भेद किया, त्रिकाली में भेद किया, त्रिकाली में भेद किया, इसलिए व्यवहार, और नहीं क्यों, क्योंकि श्रुति ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। राग है, राग ज्ञान, हमने एग्जाम्पल में मैंने कहा ना, राग का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, तो ज्ञान है स्वयं का, परंतु हम कहते हैं क्या, कहते हैं क्या कि राग का ज्ञान हुआ, बराबर, तो राग का ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वयं का है, परंतु राग के ऊपर उपचार करके हम कह देते हैं राग का ज्ञान, बराबर। ये हो गया तीसरे नंबर का नई। अब आ जाते हैं चौथे नंबर के नई के ऊपर, अनुपचरित, सद्भूत, व्यवहार नहीं, अनुपचरित। अब और अंदर आ गए, कहा था ना स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर अपने को ये नई ले जाते हैं, अनुपचरित, सद्भूत, व्यवहार नहीं। पहले तो आप एग्जाम्पल लिख लो, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, पहले कहा था राग का ज्ञान, और अब कह रहे ज्ञान ते आत्मा। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल था राग का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, और चौथे नंबर का नई का एग्जाम्पल है ज्ञान ते आत्मा, ठीक है ना, ज्ञान ते आत्मा। अनुपचरित, सद्भूत, व्यवहार नहीं, अनुपचरित माने कोई उपचार नहीं है, इसमें कोई उपचार नहीं है, नो उपचार, क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है, कोई उपचार नहीं है, इसलिए अनुपचरित। सद्भूत क्योंकि आत्मा में है, इसलिए सद्भूत। व्यवहार क्यों, व्यवहार क्योंकि त्रिकाली में भेद किया, ठीक है ना, त्रिकाली में भेद किया, और नहीं क्यों, क्योंकि शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना, ठीक है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। ये हम किसके नहीं देख रहे हैं, पंचाध्याय कार के नहीं देख रहे हैं, पंचाध्याय शास्त्र में पंचाध्याय कार ने सूक्ष्मता से ये नयों का निरूपण किया है। पंचाध्याय कहते हैं, पंचाध्याय कार कहता है कि भाई ये स्त्री घर कुटुम परिवार को अपना कहो ही नहीं, क्योंकि अनादिकाल से इनको अपना कह रहे हैं और इन्हीं में अपन अपनापन करके अपन बैठे हैं, तो कह रहे इनको तो अपना अभी कहो ही नहीं, क्योंकि अनादिकाल से इनमें अपना तो पन्ना एकत्व बुद्धि ये इनको ही अपना मान रहे हैं। तो पंचाध्याय कार ने राग से शुरुआत की, पहले बुद्धिपूर्वक का राग, पहले नंबर का नई का विषय है बुद्धिपूर्वक का राग, दूसरे नंबर के नई का विषय है अबुद्धिपूर्वक का राग, तीसरे नंबर का नई कहता है राग का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, समय सार का ज्ञान, ज्ञान है अपना परंतु कहते हैं क्या उपचार से, पर का ज्ञान, ठीक है ना, ये तीसरे नंबर का नहीं। चौथे नंबर का नहीं आत्मा और ज्ञान के बीच में भेद करता है, क्या भेद कर किया, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा कहा ना आत्मी गाथा में, सातवी गाथा में ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, ये भेद किया ना, भेद सातवी गाथा में भेद किया ना, तो ये जो भेद किया, भेद के द्वारा अभेद को बताया, तो ये भेद किस नई का विषय है, चौथे नंबर के नई का विषय। अनुपचरित क्योंकि कोई उपचार नहीं है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, सद्भूत माने आत्मा की सत्ता में है,
व्यवहार मान ने त्रिकाली में भेद किया, ज्ञानते आत्मा ऐसा भेद किया, गुण गुणी का भेद किया, और नई माने शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। ठीक है ना, तो एकदम इजी हो गए चार पंचाध्याय कार के। नहीं बराबर, कोई इसमें प्रश्न है? मैं आगे बढ़ू। अब हम देखते हैं, मैंने अभी बताया था अपन गुणस्थान देखेंगे, गुणस्थान। हाँ आंटी, आज अमा अमा आपने कहो के सॉरी आत्मा ते ज्ञान ते आत्मा अने उपचरित सद्भुत व्यवहार में एमा त्रीजा मा आपने आत्मा का ज्ञान करिए तो ए उपचरित मा विचासे के मा राग का शास्त्र का परनुज बीजुज पर विषय परनुज ज्ञान एम के परनुज राग नु गे नु पर नु शास्त्र नु दिन वाणी नु અને તો એમ કેશું ને નિમિત્તનું તો એ જ્ઞાનનો ઉપચાર એ પરદ્રવ્ય પર આપીને પરનું જ્ઞાન એમ કીધું જ્ઞાન તે આત્મા એમ ભેદ પાડશો ને અંદરમાં તો એ ચોથા નંબરનો નહીં, બરાબર? એ ખ્યાલ આવી ગયો બે માં અંતર, અને પહેલા બે માં તો એકદમ ઈઝી છે, એક તો બનાવે છે બુદ્ધિપૂર્વકના રાગને વિષય અને દૂસરા નહીં બનાતા હૈ અબુદ્ધિપૂર્વક કે રાગ કો વિષય। पहला नहीं कहता है बुद्धिपूर्वक के राग को अपना कहता है और दूसरा नहीं अबुद्धिपूर्वक के राग को अपना कहता है। मैंने कहा था ना समय सार में बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या है, बुद्धिपूर्वक माने राग में एकत्व बुद्धि, वो बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक का अर्थ समय सार में कहा राग में एकत्व बुद्धि, ये समय सार में बुद्धिपूर्वक का अर्थ किया। और अबुद्धिपूर्वक माने तो कहते हैं अस्थिरता जन्य जो राग है ना उसको कहेंगे अबुद्धिपूर्वक का राग। परंतु यहाँ बुद्धिपूर्वक माने जो राग ज्ञान में पकड़ में आता है उसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक, और जो ज्ञान राग में पकड़ में नहीं आता है उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक का राग। अब यहाँ पे अपन गठित कर रहे हैं, एक तो अपन देखेंगे कैसे वो गुणस्थान की अपेक्षा हम देखेंगे के व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। पहले अपन निश्चय नहीं पे जाते हैं। निश्चय नहीं में जो है देखो पहला जो है ना असद्भुत निश्चय नहीं के हम जो चार भेद है ना, निश्चय नहीं के चार भेद जो हमने देखे उसमें हम गठित करेंगे। निश्चय नहीं के चार भेद पर आ जाओ आप, निश्चय नहीं के चार भेद उसमें हम गुणस्थान गठित करेंगे। तो जो पहला निश्चय नहीं है अशुद्ध अशुद्ध निश्चय नहीं, पहला भेद, पहले भेद के गुणस्थान कहे तो पहले भेद के गुणस्थान है 1 से 12 या 1 से 14, क्योंकि औदयिक भाव है 14वें गुणस्थान तक, औदयिक भाव है 14वें गुणस्थान तक, इसलिए 1 से 14, ठीक है, गुणस्थान लिखना 1 से 14। असिद्धत्व, असिद्धत्व नामक औदयिक भाव, बहुत बढ़िया, असिद्धत्व नामक औदयिक भाव, इसलिए पहला जो अशुद्ध निश्चय नहीं है उसके गुणस्थान है 1 से 14। क्लियर, इसमें तत्व जाएंगे 2, 7 तत्व में घटित करें ना पहला नहीं तो 2 तत्व जाएंगे, आश्रव तत्व और बंध तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व। 5 भावों में से इसमें 2 भाव जाएंगे, औदयिक भाव और शायोपशमिक भाव। परंतु मैंने कहा था ना कल संसार मार्ग वाला शायोपशमिक भाव, नॉट मोक्ष मार्ग वाला, और ये अशुद्ध निश्चय नहीं है ना तो संसार मार्ग वाला शायोपशमिक भाव कुमति कुश्रुत कुअवधि ये जाएगा, और औदयिक भाव। 3 बात बता दी, गुणस्थान, 7 तत्व और 5 भाव। पहले नहीं में गुणस्थान कहेंगे तो 1 से 14, ठीक है ना, 1 से 14। 7 तत्व कहेंगे तो आश्रव और बंध, और 5 भाव कहेंगे तो औदयिक भाव और शायोपशमिक भाव। परंतु आप लिख लेना संसार मार्ग वाला शायोपशमिक भाव। आगे जाते हैं एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, इसमें गुणस्थान घटित करो, गुणस्थान घटित करेंगे तो 4 से 12, 4 से 12 क्यों 4 से 12, क्योंकि 4 से 12 है ना, 4 से 12 क्योंकि ये शायोपशमिक भाव, शायोपशमिक भाव है ना, तो कहाँ तक है,
सप्तमिक भाव बारहवां, बारहवीं तक ठीक है ना, बारहवें तक है। औपशमिक भाव ग्यारहवें तक है। तो ये गुणस्थान जो है ना, ये नहीं, इसमें गुणस्थान घटित होंगे चार से बारह। गुणस्थान लिख दीजिए आप लोग चार से बारह, ठीक है। और इसमें तत्व जाएंगे दो, संबर और निर्जरा। संबर दूसरे नंबर के निश्चय नहीं में तत्व जाएंगे संबर और निर्जरा। और भाव जाएंगे पांच भावों में से, भाव जाएंगे कौन से भाव जाएंगे, औपशमिक और मोक्ष मार्ग वाला शायोपशम, औपशमिक और मोक्ष मार्ग वाला शायोपशम। क्लियर, औपशमिक और मोक्ष मार्ग वाला शायोपशम। दूसरे नंबर का नहीं हुआ, अब तीसरे नंबर का नहीं। पहले नंबर के नहीं में एग्जाम्पल्स कल ही बताए थे ना, एक बार मैं बोलती हूँ, पहले नंबर के निश्चय नहीं के एग्जाम्पल रागी, मिथ्या दृष्टि, संसारी, विकारी जीव, अभेद अभेद करके, विकार वाला जीव कहा, विकार वाला जीव कहा, विकार वाला जीव कहा, तो वो हो जाएगा व्यवहार नहीं। परंतु विकारी जीव, विकारी विकारी जीव, तो ये निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। संसारी, संसार वाला जीव, संसार वाला जीव, तो व्यवहार नहीं। और संसारी जीव, तो निश्चय नहीं, अशुद्ध। अब दोनों में अंतर समझो बराबर। मिथ्या दृष्टि वाला जीव, मिथ्यात्व वाला जीव, तो व्यवहार नहीं। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव, तो निश्चय नहीं। अभेद अभेद करके कहा ना, तो निश्चय नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गया, राग वाला जीव, तो व्यवहार नहीं। परंतु रागी जीव, तो अशुद्ध निश्चय नहीं। क्लियर, बराबर। दूसरे नहीं के एग्जाम्पल, समकीति कहो, शुल्लक कहो, अणुव्रति कहो, अणुव्रति कहो, समकीति कहो, देशरति कहो, अणुव्रति कहो, देशयमी कहो, ये सब एक देश, एक देश। फिर से देशयमी, अणुव्रति, समकीति, शुल्लक, तो ये सब एक देश शुद्ध निश्चय के विषय। तीन प्रकार के अंतरात्मा आ गए। हाँ, तीन प्रकार के अंतरात्मा, जगन्य, मध्यम, उत्तम। मध्यम और उत्तम, बराबर, बहुत बढ़िया। तीन प्रकार के अंतरात्मा आ गए। अब हम जाते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। तो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं के एग्जाम्पल कल बताए थे, क्या बताए थे, केवली जीव, केवली, परमात्मा, कार्य जीव, कार्य जीव, सिद्ध, सिद्ध, कार्य जीव, परमात्मा, केवली, शायिक, शायिक सम्यक्त्वी, शायिक सम्यक्त्वी। तो ये जाएंगे तीसरे नई का विषय, तीसरे नई के एग्जाम्पल। अब तीसरा नई जो है साक्षात शुद्ध निश्चय नई, अब उसके गुणस्थान, गुणस्थान होंगे चार से सिद्ध, चार से सिद्ध, ठीक है ना, चार से सिद्ध। क्योंकि शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र, सिद्ध तक है ना, चार से सिद्ध, चार से सिद्ध गुणस्थान तीसरे नई के। फिर इसमें तत्व कौन सा जाएगा, वेरी इजी, एक ही तत्व बचा अभी, कौन सा तत्व जाएगा इसमें, मोक्ष तत्व, ठीक है ना, मोक्ष तत्व। और इसमें पांच भाव में से अब कौन सा भाव बाकी रहा, औपशमिक हो गया, औदयिक हो गया, शायपशमिक हो गया, शायिक भाव, तो ये इसमें जाएगा शायिक भाव। क्लियर, गुणस्थान है चार से सिद्ध, तत्व है मोक्ष तत्व, और भाव में जाएगा, भाव में जाएगा शायिक भाव। दीदी गुणस्थान में चार, चार से लेंगे क्योंकि चार में भी शायिक समेत हो सकता है, इसलिए। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया ज्योति बहन, है ना, चार चौथे में भी हो सकता है शायिक समेत, इसलिए चार चौथे गुणस्थान से सिद्ध तक। सिद्ध तो गुणस्थान में नहीं आएंगे ना, हाँ गुणस्थान में नहीं आएंगे, परंतु बता रहे हैं कि सिद्ध तक है ये सिद्ध तक। अच्छा, आगे जाते हैं चौथे नंबर के निश्चय नहीं के ऊपर, जो राजा है, नयो का राजा, परम शुद्ध निश्चय नहीं। अब ये जो है, इसके तो एग्जाम्पल्स कल बताए थे ना, इसके एग्जाम्पल्स कारण जी, कारण परमात्मा, गुणस्थानातीत, समय सार, समय सार,
द्रव्य स्वभाव, ज्ञायक, कारण शुद्ध जीव, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। भगवान आत्मा, ज्ञायक, शुद्धात्मा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स। अब इसमें मुझे कौन बताएगा इसके गुणस्थान, बताओ। परम शुद्ध निश्चय नहीं के गुणस्थान कौन बताएगा? गुणस्थानातीत तुम्हारे सिद्ध भगवान कोई है, ये ज्ञायक भाव। गुणस्थानातीत तो सिद्ध भगवान कोई है, ये ज्ञायक भाव, शुद्धात्मा। इसके गुणस्थान बताओ, इसके गुणस्थान। हाँ, गुणस्थान नहीं, वो तो बराबर है, परंतु ये है किसके पास? शुद्धात्मा है किसके पास? सभी जीव, सभी जीव। बहुत बढ़िया, एक से लेके सिद्ध परमात्मा तक, ठीक है। शुद्धात्मा सबके पास है ना, भगवान आत्मा सबके पास है, इसलिए एक से लेके सिद्ध भगवान तक, एक से लेके सिद्ध भगवान तक, ठीक है ना। अब इसमें तत्व मुझे बताना, सात तत्व में से कौन सा तत्व घटित होगा? सात तत्व में से कौन सा तत्व घटित होगा? जीव तत्व। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, कौन बताएगा मुझे पांच भाव में से कौन सा भाव जाएगा? हाँ, शीतल बेन बताइए। परम पारिणामिक। बहुत बढ़िया, परम पारिणामिक भाव, ठीक है ना। पांच भाव में से परम पारिणामिक भाव जाएगा। तो हमने देख लिया निश्चय नहीं के चार भेदों में हमने गुणस्थान देखे। अब मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का लेकर पूरा करती हूँ कि एक की अपेक्षा दूसरा निश्चय कैसे बनता है, निश्चय कैसे बनता है, क्लियर। कैसे एक नई पहले वाले नई का निषेध करता जाता है, कैसे निषेध करता है? आप सामने रखो चार व्यवहार नहीं सामने रखो, ठीक है ना। पहला व्यवहार नहीं, अभी हम आते हैं वापस कुनकुन आचार्य देव की शैली के ऊपर, प्रथम शैली। अब प्रथम शैली में कहते हैं ये स्त्री घर कुटुंब परिवार मेरे, बराबर। प्रथम शैली कुनकुन आचार्य देव की शैली में उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, स्त्री घर कुटुंब परिवार को अपना कहता है। तो अब एक जीव ऐसा कहता है कि मैं ये संयोग के कारण से दुखी हूं, मैं संयोग के कारण से सुखी दुखी हूं, संयोग के कारण से सुखी दुखी हूं, ठीक है ना। एक आप पहले तो लिख देना कि जो पहले प्रकार का जो व्यवहार नहीं है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये कभी निश्चय को प्राप्त नहीं होता है। पहले नंबर का नहीं कभी निश्चय को प्राप्त नहीं होता है। और जो अंतिम वाला निश्चय नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नहीं, वो कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। पहले वाला व्यवहार नहीं कभी निश्चय को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं, श्रीघर कुटुंब परिवार के आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए वो कभी व्यवहार निश्चय को प्राप्त नहीं होगा। और जो परम शुद्ध निश्चय नहीं है वो कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है, बराबर। ये दो वाक्य आपने लिखे। अब देखो ये पहला जो नहीं है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, तो ये कहता है कि भाई मैं संयोग के कारण से सुखी दुखी हूं, संयोग के कारण से सुखी दुखी हूं। तो दूसरे नंबर का नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये पहले वाले नहीं का निषेध करता है, पहले वाले नहीं का निषेध कर देता है। क्या कहता है वो कि सुनो, संयोग के कारण से सुखी दुखी नहीं हो, कर्म के उदय के कारण से यह जीव सुखी दुखी है। संयोग के कारण से नहीं, कर्म के कारण से सुखी दुखी है। तो दूसरे नंबर के नई ने क्या कर दिया, पहले नंबर के नई का निषेध कर दिया। और जो निषेध करने वाला होता है वो निश्चय, और जो निषेध किया जाता है वो व्यवहार। तो दूसरे नंबर का नई ने पहले नंबर के नई का निषेध किया, इसलिए दूसरे नंबर का नई हो गया निश्चय। पहले की अपेक्षा से पहले नंबर के नई की अपेक्षा से दूसरे नंबर का नई हो गया निश्चय, क्लियर, बराबर। दूसरे नंबर का नई क्या हो गया, निश्चय, बराबर। क्योंकि दूसरे नंबर के नई ने क्या निषेध किया कि संयोग के कारण से सुखी दुखी नहीं, कर्म के कारण से सुखी दुखी हूं,
क्लियर। अब आगे बढ़ते तीसरे नंबर के नहीं पे आओ। अब तीसरा नंबर का नहीं कहता है कि सुनो कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म कौन है, कर्म सुखी दुखी नहीं करते हैं, तुम तो राग के कारण से सुखी दुखी होते हो। तो राग के कारण से सुखी दुखी कहना ये तीसरे नंबर के नहीं ने दूसरे नंबर के नहीं का निषेध कर दिया। क्या कर दिया? राग राग मेरे सुख दुख का कारण है ऐसा कहकर तीसरे नंबर के नहीं ने दूसरे नंबर के नहीं का निषेध कर दिया। तो तीसरे नंबर का नहीं हो गया निश्चय किसकी अपेक्षा से, दूसरे की अपेक्षा से। अभिप्राय में निषेध है तो यही वाक्य अभी क्या हो जाएगा, निश्चय नहीं का बन जाएगा। ख्याल आ रहा है? क्योंकि देखो नहीं, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, नहीं माने देखने निषेधात्मक दृष्टि है तो यही वाक्य हो जाएगा निश्चय का। राग के कारण से सुखी दुखी हूं, इसने क्या कर दिया, दूसरे नंबर के नहीं का क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो ये तीसरा नंबर का नहीं बन गया निश्चय, बराबर। अब चौथे नंबर का अकॉर्डिंग टू थर्ड वाला में सेकंड वाला व्यवहार हो गया, अकॉर्डिंग टू थर्ड वाला में बहुत बढ़िया सेकंड वाला व्यवहार हो गया और तीसरा वाला हो गया निश्चय। निश्चय हो गया, तीसरा वाला हो गया निश्चय, बराबर। अब आगे अब कहते हैं कि चौथा वाला नहीं। अब ये तीसरा वाला नहीं जो कहा, जो अभी कहा ना कि राग के कारण से सुखी दुखी हूं, तो चौथे वाले नहीं ने कहा कि सुनो राग ने जाना किसने, राग को जाना किसने। तो भाई चौथे नंबर वाले ने कहा कि ज्ञान ने जाना, है ना। तो मैं राग का कर्ता धरता नहीं, मैं ज्ञान का करता हूं। जब ये कहते हैं कि मैं ज्ञान का करता हूं, मैं ज्ञान का भोगता हूं, मैं राग का करता नहीं हूं, तो चौथे वाले ने तीसरे वाले नहीं का निषेध कर। तो चौथा नहीं तीसरे की अपेक्षा से निश्चय बन गया, मैं राग का करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञान का करता हूं। क्योंकि राग को जाना किसने, ज्ञान ने जाना, इसलिए मैं राग का करता भोगता नहीं, मैं ज्ञान का करता भोगता। तो चौथे वाले ने तीसरे का निषेध कर दिया। तो चौथे की अपेक्षा तीसरा बन गया व्यवहार और चौथा बन गया निश्चय। क्लियर? एक दूसरे की अपेक्षा से कैसे वो निश्चय व्यवहार हो जाते हैं, बराबर ना, एकदम क्लियर है ना। अब आगे बढ़े, हम चार प्रकार के निश्चय पे आते हैं, चार प्रकार के निश्चय नहीं। अब पहला जो है ना, पहला निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं, वो तो कहता है रागी आत्मा, रागी आत्मा है ना। तो दूसरा नहीं जो है एकदेश शुद्ध निश्चय नहीं, एकदेश शुद्ध निश्चय नहीं कहता है कि अरे सुनो सुनो, अगर तुम्हें कोई पर्याय को अपनी कहनी हो तो राग को क्यों कहते हो, राग को क्यों कहते हो, तुम तो भाई जो सम्यक दर्शन की पर्याय है ना, सम्यक दर्शन की पर्याय को अपनी कहो, राग की पर्याय को क्यों अपनी कहते हो, क्योंकि भाई राग राग मेरा स्वरूप ही नहीं है, राग मेरा स्वभाव ही नहीं, वो तो भाई मेरी जाति का नहीं है। तो कोई पर्याय को अपनी कहनी हो तो इसको कहो ना, औपशमिक को कहो, शायपशमिक भाव को कहो, शायपशमिक सम्यक्त को अपनी कहो। तो दूसरे प्रकार के नई ने पहले नई का निषेध कर दिया, एक देश शुद्ध निश्चय नई ने अशुद्ध निश्चय नई का निषेध कर दिया, ठीक है ना। अब तीसरा नई जो है साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, वो कहता है कि अरे भाई आंशिक शुद्ध पर्याय को अपनी क्यों कहते हो, पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय को अपनी कहो ना, अधूरी अपूर्ण पर्याय को क्यों अपनी कहते हो, कोई पर्याय को अपनी कहनी हो तो पूर्ण निर्मल पर्याय को अपनी कहो, क्योंकि वो स्वभाव जैसी है, परिपूर्ण है। तो फिर तीसरे वाले ने दूसरे का निषेध कर दिया, तीसरे वाले ने क्या कर दिया, दूसरे का निषेध कर दिया, ठीक है। अब चौथा नयो का राजा वो क्या कहता है, वो कहता है क्या पर्यायों को अपना कहते हो, जो भी कोई भी पर्याय हो, राग की पर्याय हो, चाहे वो संवर निद्रा की हो, चाहे वो पूर्ण निर्मल पर्याय हो। चिरेन भाई कहीं चल रहे हो आप? हाँ, बाहर है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके
ओके, आवाज आ रही है उनको? हाँ, वो कार में होंगे शायद। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हेलो, तो क्या हम लोग ये देख रहे हैं ना, निषेध निषेध कैसे हो रहा है। तो चौथे नंबर का जो नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नहीं, वो कहता है कि भाई पर्याय को अपनी नहीं को, कोई पर्याय को अपनी नहीं को, क्योंकि कोई भी पर्याय हो, औपशमिक की हो, शैक्षमिक की हो, शाही की हो, सब एक समय की है, सबकी सब पर्याय एक समय की है। और मैं तो सारी पर्यायों से पार, सारी पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नित्य अजर अमर अनादि अनंत हूं। तो ये चौथे नंबर के नहीं ने तीसरे नंबर के नहीं का क्या कर दिया, निषेध कर, है ना। तो ये चौथे नंबर का नहीं जो है ना, परम शुद्ध निश्चय नहीं, तो ये कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके आगे कुछ है ही नहीं, अब इसका निषेध कौन करे, बोलो। परम शुद्ध निश्चय नहीं का निषेध कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीव राजा के आगे, जीव राजा के ऊपर कोई है ही नहीं जो जीव राजा का निषेध करे। जीव राजा ने तो सबका निषेध कर दिया, परंतु जीव राजा का कोई निषेध नहीं कर दिया, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। जीव राजा ने सारी पर्यायों का निषेध कर दिया कि राग वाला भी नहीं भाई, आंशिक शुद्ध एक देश शुद्ध पर्याय वाला भी नहीं, पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय वाला भी नहीं, क्योंकि वो सबकी सब एक समय की है। ऐसे ये सारी पर्यायों का निषेध जीव राजा माने जो चौथे नंबर के नहीं का विषय है, भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय नहीं ने सबका निषेध कर दिया। तो इसके सामने आगे के सारे नहीं व्यवहार बन जाते है, और एक ये ही क्या है, तो कहते निश्चय रहता है, ये कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। ख्याल है, इसलिए क्या है ना भाई, ग्यारहवीं गाथा में सगड़ोए व्यवहार अभूतार्थ छे, सगड़ोए व्यवहार अभूतार्थ छे, माने सारे प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ है। ऐसे ये निषेध होते जा रहा है। देखो मेरे सामने एक चार्ट है जिसमें व्यवहार नहीं के गुणस्थान दिए हैं। अभी हमने निश्चय नहीं के गुणस्थान देखे ना, ऐसे व्यवहार नहीं के गुणस्थान मैं अभी बताती हूँ, परंतु मुझे थोड़ा सा इसमें चेंज लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ, आप लिख लो, परंतु हम जब दो दिन के बाद वापस मिलेंगे ना, मेरी धवला की गोष्ठी है कल शाम को 8 बजे धवला के ऊपर, एक ग्रुप अपना जो जैनिज्म थिंकर है दिल्ली का है, उसमें मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना है 8 बजे, वहां पर उपस्थित रहना है। और फिर संडे को तो अंकल अपने स्वाध्याय क्लास नहीं होती है, हाँ, संडे को नहीं, राजेश अंकल अपने संडे को नहीं है, हाँ, तो अपन मंडे को वापस मिलेंगे। तो थोड़ा गुणस्थान एक बार वापस सोच कर आपको मैं बताती हूँ। एक तो आप पहले लिख लो आज, क्योंकि हमने निश्चय नहीं के गुणस्थान देखे ना, तो व्यवहार नहीं का जो पहला भेद है ना, उसके गुणस्थान है 1 से 14, उसके गुणस्थान है 1 से 14 पहले नंबर का व्यवहार नहीं, उसका गुणस्थान है 1 से 14, ठीक है। और दूसरे नंबर का व्यवहार नहीं है, उसका गुणस्थान भी है 1 से 14, क्योंकि कर्म है ना 14वें तक। और संयोग है ना 14वें तक, समोचरण आदि है ना 14वें तक, ठीक है ना। तो ये भी 114, ये भी 114 गुणस्थान। फिर जो तीसरे नंबर का नहीं है, उसके गुणस्थान है 1 से 11। क्यों? क्योंकि अभी राग है ना, वहां पे राग का अभाव नहीं हुआ है, वो उपशमित हो गया, दब गया है, इसलिए 1 से 11। और औपशमिक भाव भी गया ना इस नई में, औपशमिक भाव भी विषय बन रहा है ना, इसलिए 1 से 11। और जो चौथे नंबर का नहीं है, उसके गुणस्थान है 4 से सिद्ध, क्योंकि शायिक भाव इसका विषय है, पूर्ण निर्मल पर्याय, हमने देखा ना गुण गुणी का भेद और पूर्ण निर्मल पर्याय, अनंत गुण और पूर्ण निर्मल पर्याय, तो पूर्ण निर्मल पर्याय 4 से सिद्ध तक, इसलिए इसका इसके गुणस्थान है 4 से सिद्ध। तीसरे नंबर के नई के गुणस्थान है 1 से 11, दूसरे नंबर के और पहले नंबर के नई का नई के गुणस्थान है 1 से 14। क्लियर? इसके ऊपर थोड़ा खुलासा हम वापस जब मंडे को मिलेंगे तब हम देखेंगे। आज हमने 3 विषय देखे, एक तो हमने देखा पंचाध्याय की अपेक्षा से हमने 4 प्रकार के व्यवहार नहीं देखे, फिर हमने दूसरा देखा इन निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं में गुणस्थान, 7 तत्व और 5 भाव घटित किए, और हमने देखा कि आगे आगे के नहीं
पूर्व की अपेक्षा से कैसे निश्चय होते जाते हैं और पहले पहले के कैसे व्यवहार होते हैं। मैंने पहले वाले नई का दूसरे वाले नई ने निषेध कर दिया तो दूसरा बन गया निश्चय और पहला बन गया व्यवहार। और ऐसे करते 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 जब परम शुद्ध निश्चय नहीं पर आते हैं तो वो कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। उसने सबका निषेध तो कर दिया पर वो स्वयं उसका किसी कोई निषेध कर सकता नहीं है, इसलिए वो कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। एक प्रश्न हो सकता है कि अशुद्ध निश्चय नहीं, जो पहला नहीं है ना अशुद्ध निश्चय नहीं, तो उसने किसका निषेध किया, वो भी तो व्यवहार बनना चाहिए ना। प्रश्न हो सकता है ना कि वो भी तो व्यवहार, वो भी तो निश्चय बनना चाहिए। उसने आगे वाले का निषेध कर दिया, मैंने ये व्यवहार चार व्यवहार नहीं कहा, कैसे मैंने आगे के जो व्यवहार नहीं है ना उसका, जैसे संयोग वाला आत्मा कहा है ना, कर्म वाला आत्मा कहा, तो उसका निषेध करके रागी आत्मा, ऐसा उसने पहले वाले व्यवहार नहीं के निषेध कर दिया, इसलिए वो पहला अशुद्ध निश्चय नहीं, वो निश्चय को प्राप्त होता है इन व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। फिर दूसरे नंबर के निश्चय नहीं ने पहले वाले निश्चय नहीं का निषेध किया, इसलिए वो व्यवहार हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रश्न मुझे अभी उठा तो मैंने वो क्लियर कर लिया। तो ऐसे हमने आज ये तीन टॉपिक्स देखे, हम मंडे को मिलेंगे। एक अंतिम टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है पक्षातिक्रांत का, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना तो ये नई ज्ञान लेकर हमें कोई फायदा ही नहीं है। जब तक हम पक्षातिक्रांत वाली दशा को नहीं पहुंचे, नया तीत वाली दशा को नहीं पहुंचे, तब तक ये नई ज्ञान लेना भाई कोई लाभदायक नहीं है। हम नई ज्ञान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पक्षातिक्रांत होना है, हमें नया तीत होना है। दो प्रकार की बहुत सुंदर चर्चा, परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति की चर्चा हम मंडे के स्वाध्याय में करेंगे। और मेरे पास एक पूरा निश्चय व्यवहार नई के ऊपर ऑलरेडी मेरे पास एक पेपर पूरा निकला हुआ है। मैं कहीं गई थी, कोई शिविर में गई थी, मुझे वहां बुलाया गया था, तो मैंने ऑलरेडी एक बहुत सुंदर निश्चय व्यवहार नई के ऊपर एक पेपर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, जिसमें बहुत सारे राउंड हैं, जिसमें एक राउंड है फिल इन द ब्लैंक्स राउंड, दूसरा राउंड है मैच द फॉलोइंग राउंड, तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड, चौथा राउंड है हा या ना का राउंड, और पांचवा राउंड है आइडेंटिफाई द नई। आपको नई आइडेंटिफाई करना है, मैं वाक्य बोलूंगी और आपको बताना है किस नई का वाक्य है। ऐसे पांच राउंड है, ठीक है। मैं फिर बात करती हूँ कैसे वो अपन करे, या तो अपन ये एक पेपर ही प्रिंट आउट करके हम ग्रुप में डाल दे तो आप अपने घर पे बैठ के लिख सकते हो, और या तो हम ऑनलाइन ऐसे जूम पर और यूट्यूब भी मैं चालू रखूंगी तो हम ऐसे ही ऑनलाइन भी हम इस क्विज को खेल सकते हैं। आपको बहुत आनंद आएगा, पूरा निश्चय व्यवहार का आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्विज के माध्यम से। तो उसको हम पहले इन राजेश अंकल वगैरह उनके साथ डिस्कस करके, चिरेन भाई के साथ, और फिर अपन इसको देखेंगे कि कैसे रिटर्न पेपर दे या ओरली अपन क्विज करें, बराबर। तो ये एक टॉपिक अपना, एक टॉपिक रहा मंडे को, और फिर ट्यूसडे या वेनेसडे को अपन क्विज करेंगे। हाँ, कोई प्रश्न है ज्योति बहन? प्रश्न है बताइए दीदी। द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने भी ले लीजिए इसके बाद में, एग्जाम के बाद। हाँ हाँ, अपन बात करके फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना, हम लोग बताते हैं। हाँ, तो मैं इसी मंगल भावना के साथ मैं 10 स्वाध्याय पूरा करती हूँ। अभी जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। हाँ, जिनवाणी स्तुति लेते हैं, एक मिनट करता हूँ। चलो, बोलो अनंत 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 से परमेश्वरी भगवान की जय हो। तीन कम नौ करोड़ सर भावलिंगी महामुनिराजो की जय हो।
शायद बाद मैंने कांत में नित्य बोधनी जिनवाणी मात की जय हो अनंत अनंत कहान गुरुदेव की जय हो जय हो जय शासन धर्म की जय जय हो।